हाय आदित्य। हाय हाय आदित्य। हाय आदित्य, राज का अब्रॉड में सिलेक्शन हो गया है। व्हाट? दैट्स ग्रेट। नाउ वी विल बी इन जर्मनी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यार। लेकिन जाने के बाद जरूर फोन करना मुझे। हाँ ऑब्वियसली यार। ओके, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। ये लीजिए सर, मैंने सारी रिपोर्ट बना ली है। वेरी गुड मिस्टर आदित्य। थैंक यू सर। मिस्टर आदित्य, होटल लिबर्टी का प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि मेरा सपना है, और इस सपने को मैं हर हाल में साकार करूंगा। ऐसा ही होगा सर, आपका सपना जरूर पूरा होगा। ओके आदित्य, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बाय सर। सपना तो जरूर पूरा होगा मिस्टर अतुल, लेकिन आपका नहीं, मेरा। आदित्य, हमें बहुत जल्दी अतुल को खत्म करना होगा। डोंट वरी सानिया, मौका मिलते ही ये काम हो जाएगा। हाँ आदित्य, हमें बहुत जल्दी इस काम को तमाम करना होगा, वरना हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। रिलैक्स, क्या नशा है तुम्हारी आंखों में? क्यों, शराब में नहीं है सानिया? जो नशा तुम्हारी आंखों में है वो शराब में कहा। आदित्य, प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो गई? सर, ये रही प्रोजेक्ट की फाइल। ओके। आदित्य, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदित्य, शायद काम का बोझ ज्यादा होने से, लेकिन डोंट वरी सर, ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड, मुझे लगता है कि अब मेरा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। व्हाई नॉट सर, क्यों नहीं सर, आपका यह सपना जल्दी पूरा होगा। आई प्राउड ऑफ यू आदित्य, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। आइए। साहब का सामान रख दिया? जी। मणिकलाल जी? जी। आप आदित्य का ख्याल रखिएगा। जी, आप निश्चिंत रहें। ओके आदित्य, गुड नाइट। गुड नाइट सर। अतुल साहब, हैव अ नाइस जर्नी, गुड बाय फॉरएवर। चीयर्स। मानिकलाल जी, आज मेरा सपना पूरा हो गया। जी राज। रोहित, तुम कहाँ हो? मैं इस पल को राज रोहित के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सर, ये राज और रोहित कौन है? मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मेरे अजीज दोस्त मानिकलाल, तुम्हारी वजह से मेरा वो काम पूरा हो जिसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सर, मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और लोग इसे महज एक एक्सीडेंट समझेंगे। आज के बाद लोगों को सिर्फ एक नाम याद रहेगा, अतुल साहनी। आज मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है मानिकलाल जी। मैं और मेरी मंजिल के बीच जी सिर्फ और सिर्फ चंद कदमों का और चंद घड़ियों का फासला बाकी जी। मानिकलाल जी, जी चाहता है जी कि ये सब्र जल्दी से खत्म हो और मेरी मंजिल मुझे मिल जाए। कौन से मंजिल की बात हो रही है मिस्टर आदित्य? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, हम लोग बस यूं ही थोड़ा सा। लेकिन सर आप? हाँ आदित्य, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मेरी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। गाड़ी एक पेड़ से टकरा के मैंने रोकी और चाबी मैकेनिक को देकर आ रहा हूँ। ओह थैंक गॉड सर, आप बच गए। मिस्टर आदित्य, आज मेरी जिंदगी की दो दो खुशियां मेरे साथ हैं। कौन सी सर? पहली तो यह कि आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, और दूसरी ये कि आज मेरी शादी की सालगिरह है। कांग्रेट सर। मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो सर। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। सानिया मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। जानते हो आज मेरी शादी की 5वीं सालगिरह है, और आज मैं अपनी शादी की सालगिरह अपनी बीवी के साथ मनाना चाहता हूँ। सर, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है मानिक। अच्छा तो सर,
मैं चलूं? ओके ओके सर, टेक केयर सर, अपना ख्याल रखना सर। ओके सर, बाय। सानिया माय डियर, आई एम कमिंग टू। हाँ मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी पहुंचता हूं। हमेशा ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। उसे मेरी फिक्र नहीं, सिर्फ दौलत की फिक्र है। एक तरफ तो आदित्य जो मुझे तो चाहता है लेकिन दौलत से भी बहुत प्यार करता है। वो मुझे नहीं सिर्फ दौलत को चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं कि उसका पाला सानिया जैसी शातिर खिलाड़ी से पड़ा है। वो सोचता है कि वो मुझे डबल क्रॉस करेगा, लेकिन वो जानता नहीं कि सानिया उसे यूज कर रही है, सिर्फ यूज। उसे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहां उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। तड़प है उसको बहुत, आता ही होगा मेरा शिकार। सानिया, ये सब क्या हो रहा था? मुझे जला रही थी? नहीं, मैं अपने पति के साथ रोमांस कर रही थी। मेरे सामने? मैं अपने पति को किस कर रही थी, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज? सानिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे सामने ये सब कुछ कर रही थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
आदित्य, सानिया, ये सब क्या हो रहा है? और आदित्य तुम, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरी पीठ पर खंजर भोंका, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और तुम किल हिम आदित्य, किल हिम, मार दो, मार दो, किल हिम, किल सानिया, ये तुमने क्या किया सानिया? इसे तो मरना ही था। आदित्य, अब हम पूरी तरह आजाद हैं। अब हम हमारी जिंदगी खुल के जी सकते हैं। हाँ सानिया, हम अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी से जी सकेंगे। लेकिन इस लाश का क्या किया जाए? इसे सुबह तक ठिकाने लगा दिया। इंस्पेक्टर कुमार, क्या आप बता सकते हैं सानिया साड़ी किस वार्ड में है? यस सर, वार्ड नंबर 6। ओके, थैंक्स। हेलो, ओके। हेलो इंस्पेक्टर, आप कौन? I am आदित्य राजपूत। ओह, तो आप मिस्टर राजपूत हैं। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। मैंने सुना है आप अतुल सहनी के खास आदमियों में से एक हैं। तो क्या आप उनके कत्ल के बारे में कुछ खास रोशनी डाल पाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह ही मुझे अतुल सर के कत्ल के बारे में जानकारी मिली। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। ये खबर सुनने के बाद सानिया मैडम बेहोश हो गई और उन्हें अभी तक होश नहीं। तुम एक बात बताओ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट, चलिए। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे सानिया जी से मिलना है। सॉरी सर, अभी आप नहीं मिल सकते। मुझे जरा उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। ओके, आप और आप इधर रुकिए और आप मेरे साथ आइए। चलिए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? What a intelligent officer. Excuse me, sir. Yes? मेरा नाम विशाल है। बोलिए मिस्टर विशाल। क्या सानिया इसी वार्ड में एडमिट है? जी हाँ। लेकिन आप सानिया को कैसे जानते हैं? सानिया मेरी गर्लफ्रेंड थी। जी है। She is very clever minded. वह बहुत चालाक है। इसके बावजूद भी मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो मेरे क्लासमेट थी और मेरे साथ पढ़ती थी। यानी कि वो आपकी क्लासमेट थी? मैं आपको खुलकर बताता हूँ।
सानिया की दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे खुद पता नहीं चला। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन पता नहीं किसको हमारे प्यार की नजर और उसकी शादी अतुल से हो गई। हालांकि सानिया शादी के बाद भी मुझसे लगातार मिलती रही और इसी बीच उस खौफनाक प्लान में शामिल होने के लिए उकसाया। कैसा प्लान? आपने ये जानकारी देकर मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप यहाँ कैसे आ गए? एक्चुअली मेरी वाइफ इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, सी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, आप मुझे जा दीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू मिस्टर विशाल। इसका मतलब सानिया बहुत शातिर औरत है। ओके, सॉरी सर, हम सानिया से नहीं मिल सकते, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे सानिया से कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप पूछताछ बाद में भी तो कर सकते हैं। आलोक जी सही कहते हैं, एनीवे चलिए। चलिए ठीक है। आइए डॉक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। लेटी रही साने जी, लेटी रही। अतुल कहाँ है? आदित्य, आलोक जी, अतुल कहाँ है? आप लोग चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? साने जी, आपके हस्बैंड का मर्डर हो गया। सानिया जी, प्लीज रिलैक्स। सानिया जी प्लीज, सानिया जी धीरज रखिए, रोइए मत, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले बोला था कि सानिया जी इस वक्त मिलने की हालत नहीं है, प्लीज आप लोग बाहर चलिए, प्लीज प्लीज। ओके। वाह सानिया वाह, कमाल की एक्टिंग करती हो। डॉक्टर को भी नहीं पता चल सका ये रोग क्या है। सानिया का मकसद दौलत हासिल करना है, सिर्फ दौलत, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। नंबर वन होटल बन सके। कहिए। इज दैट क्लियर भटनागर जी? यस सर। चलिए मैं चलता हूं। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। Wow, what a brilliant mind. Awesome.
Hello? What? Okay. I'm coming back to India. मैडम आपकी चाय। मानिकलाल जी। मैडम जिस रात भैया का एक्सीडेंट हुआ उस रात तुम कहाँ थे? यहीं पर था मालकिन। मगर ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया भैया को कि आधी रात को सफर के लिए निकल पड़े? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उस रात सानिया भाभी कहाँ थी? मुझे पता नहीं। ठीक है तुम जा सकते हो। आखिर कातिल कोई भी हो उसे मैं सजा दिला कर रहूंगी। इस वक्त कौन है? सानिया तुम? हाँ मैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सानिया तुम पागल हो गई हो। अगर किसी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। इसकी परवाह मुझे नहीं है। तुम्हें नहीं है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। हमारे बारे में किसी को कोई शक नहीं होगा। अरे सानिया तुम शक की बात करती हो। पुलिस को एहसास हो चुका है कि अतुल साहनी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ है। क्या? तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है। मैं मरते दम तक तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ दिन तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा सानिया। Try to understand। लेकिन आदित्य। समझने की कोशिश करो सानिया। प्लीज तुम जाओ यहां से। जाओ प्लीज गो। ओह गॉड सानिया इट्स टू मच। मेरे भाई के हत्यारे को सजा मिले और मुझे सुकून मिले। तुम अचानक लंदन से कब गायब हो गए थे? थैंक्स। पूजा पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन में रुकने का कोई फायदा नहीं और फिर माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब कैसी है माँ की तबीयत? 2 साल हो गए माँ को एक्सपायर हुए। ओह आई एम सॉरी। पूजा पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन में रुकने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद वापस आ गया जॉब की तलाश में और फिर अतुल सर ने बुला लिया मुझे। आदित्य भले ही मैं तुम्हारे बॉस से इत्तेफाक रखती हूँ लेकिन हूँ तो तुम्हारी दोस्त ही ना। पूजा याद है कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा मेरी पसंद का ऑर्डर किया करती थी। आज मैं तुम्हारी पसंद ऑर्डर करूँ। अच्छा बताओ वो क्या है? चाइनीज। थैंक गॉड अभी भी तुम्हें मेरी पसंद याद है। भटनागर जी भैया के सपने का क्या होगा? पूजा बेटे अतुल को गए काफी दिन हो गए
सारा काम ठप पड़ा है। होटल का प्रोजेक्ट भी अधूरा पड़ा है और सानिया भी इसका ध्यान ढंग से नहीं रखती। यह कब तक चलेगा? पूजा बेटी, मैडम ने खाने से मना कर दिया है। आप जाइए और जाकर भाभी को समझाइए, ठीक है, कि अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। जी। आदित्य कहाँ है? कहीं गया है, होटल के प्रोजेक्ट में इंगेज रहता है, काफी व्यस्त आदमी है। अतुल भी उसकी तारीफ किया करता था। एक बात बताओ बेटे। जी कहिए। क्यों ना हम होटल के प्रोजेक्ट को यहीं बंद कर दे? बंद कर दे? अंकल, भैया के लिए प्रोजेक्ट काम नहीं था बल्कि उनका एक सपना था। अब भैया तो रहे नहीं, इसलिए ये प्रोजेक्ट मैं पूरा करूंगी। भाभी मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो। मानिकलाल, तुम ठीक? मानिकलाल तुम जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूं आई लव यू आदित्य। I am in love with you. What? पूजा कहाँ तुम? कहाँ मैं? तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या? ओके आदित्य, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ नहीं भाभी, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भाभी, अब क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगी? कब तक ऐसा चलेगा? मैं सोच रही हूँ कि आप दूसरी शादी। पूजा, हमारे समाज में विधवाओं की शादी नहीं होती। क्या भाभी, आप भी वर्षों पुरानी बात लेकर बैठ गई हैं। शादी कर लीजिए, प्लीज मेरा कहना मान लीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझसे पहले तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ओके, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बताओ। भाभी, मैं आदित्य को लाइक करने लगी हूँ। पूजा, वो हमारा एम्प्लॉय है। भाभी, वो मेरा प्यार है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू भाभी। ओके। आदित्य से शादी करेगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और आदित्य कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? अच्छा पूजा, कल तुम आदित्य के साथ साइड पे जा रही हो? जी भाभी। अच्छा तो भाभी मैं चलूं? ओके बाय। ओके आदित्य, बाय बाय भाभी, बाय। सानिया, पूजा को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। अरे भटनागर जी, आइए। सानिया, मैं सारे डॉक्यूमेंट ले आया हूँ। वेरी गुड, क्या लिखा है वैसे इसमें? अतुल ने अपनी वसीयत में 90% का हिस्सेदार पूजा को बनाया। व्हाट? यकीन न हो
तो इस वसीयत को देख लो। अगर तुम चाहो तो 100% की मालकिन बन सकती हो। अपनी कीमत बोलो मिस्टर भटनागर। तुम मिस्टर फकीर चंद, तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए? तुम दोनों तो पहले ही सड़क पर आ चुके हो। अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो क्या चाहिए तुम्हें? दौलत की भूख हर इंसान को होती है। मैं केवल 10% में ही काम चला लूंगा। 10% हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या भीख मांगेंगे? बड़े कच्चे खिलाड़ी हो तुम लोग। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 100% का हकदार बना सकता हूँ। वो किसे? ये बात केवल मैं जानता हूँ कि पूजा 90% की हकदार है। पूजा नहीं जानती। आदित्य, तुम पूजा से दिखावे के लिए शादी कर लो। मतलब? हाँ आदित्य, तुम्हें पूजा से शादी करनी होगी। यह तुम्हारे लिए आसान काम है क्योंकि तुम पूजा को बहुत पहले से जानते हो। तुम्हें पूजा के नजदीक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आदित्य, तुम कल पूजा के साथ फ्लाइट पर जाओगे बतौर एम्प्लॉय फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि तुम जाओगे फ्रेंड बनके और लौटोगे हस्बैंड बनके। ऐसा ही होगा। गुड। ऐसा तो होना ही था। कह सकते हो? क्योंकि वो बहुत लालची है। उसको सिर्फ दौलत से मतलब है, चाहे वो तुमसे मिले या पूजा से। समझ गई तुम? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। फिक्र मत करो सानिया, और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बैठ। इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद आदित्य का दिमाग नहीं बदलेगा? मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा है। परंतु मुझे नहीं। आदित्य का ईमान सिर्फ पैसा है। वो पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। यकीन न हो तो ये देखो। व्हाट इज दिस? ये कुछ तस्वीरें हैं जो उसने तुम्हारी खींची, जिससे अतुल के कत्ल का इल्जाम सिर्फ तुम पे लगे, ना कि उस पे। लेकिन ये तुम्हारे हाथ लगी कैसे? ये तस्वीरें मैंने उसके घर से बरामद की। शायद आदित्य नहीं जानता कि मैं औरत नहीं, नागिन हूँ। उसने मेरे साथ डबल क्रॉस किया। इससे आदित्य का क्या किया जाए? लगता है इसके हाथों की जीवन रेखा खत्म हो चुकी है।
He will be finished. भटनागर जी, he will be finished. भाभी कैसी हो और कैसा रहा वहाँ? अच्छा रहा, तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। हाँ भाभी, और बताओ कैसा लगा तुम्हें वहाँ? बहुत मजा आया भाभी आदित्य के साथ। भाभी आदित्य के साथ रहकर कोई बोर हो सकता है क्या? अच्छा भाभी आप यहाँ बोर तो नहीं अच्छा? हुई ना? चलिए अंदर चलते हैं, बहुत थक गए हैं। अच्छा चलो आओ। लोगों ने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। हाय पूजा, ही इज मिस्टर आलोक। ये हमारी कंपनी के बहुत ही काबिल और होनहार मैनेजर है। हेलो मिस्टर आलोक, आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। कहो आदित्य क्या काम है? पूजा ये तुमने मेरे साथ धोखा किया? सानिया ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया? मैं सच कह रही हूँ, तुमने मेरे थाली में खाकर मेरी थाली में छेद किया, मुझे फंसाने की पूरी साजिश की थी। क्या बकवास कर रही हो सानिया, आखिर उसमें मैं भी तो तुम्हारे साथ बराबर का हिस्सेदार हूँ, और किस इंतजाम की बात कर रही हो तुम? अतुल के मर्डर के फोटो नहीं खिंचवाई तुमने क्या? हाँ, और वो फोटो अब मेरे पास है। तुम्हारे पास वो कैसे पहुँची? आदित्य ये मत सोचो कि मेरे वेलविशर कम हैं। बहुत देखी है हवस की भूखी औरत, लेकिन इतनी गिरी हुई कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस सानिया नाम की बला से तो निपटना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, अभी अभी फोन आया था।
किसका फोन? आलोक जी आपसे बात करना चाहते। किस बारे में? वो आ गए। मिस पूजा, हाय। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। वो आपके यहाँ जो मिस्टर भटनागर थे, आपके लीगल एडवाइजर, उनका एक्सीडेंट हो गया। What? Yes. Now he is no more. Oh my God. एक और हत्या? कातिल जो भी है बहुत ही ज्यादा शातिर है। अब हमें एक एक कदम बहुत ज्यादा सोच समझ के उठाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सोच समझ के। जानना जरूरी है दुश्मन कौन है। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर। आपको किसी पर कोई शक तो नहीं? सानिया पर शक है मुझे। सानिया पर? जी हाँ। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। मतलब तो पहले मैं भी नहीं समझा था इंस्पेक्टर, लेकिन लेकिन क्या? पहले अतुल का कत्ल हुआ, फिर भटनागर का, अब पूजा का। इन कत्लों के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी इंस्पेक्टर। क्या वजह हो सकती है? एक ही वजह हो सकती है, एक ही वजह है, अतुल की दौलत। मुझे लगता है कहीं सानिया आदित्य का कत्ल भी ना कर दे। क्यों? क्योंकि वो औरत पैसे की बहुत भूखी है। वो इस समय कहाँ होगी? आदित्य के बंगले पे। तो चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है। सानिया की आदित्य सानिया तुम देखो, सानिया पहले मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये फोटो तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। देखो सानिया मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये फोटो भटनागर ने खींचे। वो क्यों खींचेगा? अपने बचाव के लिए। अतुल की मौत को उसने एक्सीडेंट बनाने में मेरी मदद की। इसी बात का फायदा उठाकर वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता था। उसने तुम्हारी फोटो खींची। सानिया तुम घबराओ मत, मैंने उससे फोटोग्राफ्स ले लिए थे। अच्छा ठीक है, ये बताओ वो पेपर कहाँ है जो तुमने पूजा से साइन करवाए थे? ओ, तो तुम्हें वो पेपर चाहिए? हाँ। ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू मिस्टर आदित्य। मिस्टर आदित्य, तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है। तुमने मेरा सपना साकार कर दिया है। योर जॉब हैज फिनिश्ड मिस्टर आदित्य। यू आर फिनिश्ड। सानिया, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? सानिया के डिक्शनरी में प्यार नाम की चीज नहीं है मिस्टर आदित्य। सानिया, क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझसे प्यार नहीं किया? नहीं। सोचो सानिया। नहीं मिस्टर आदित्य। सोचो सानिया। नहीं, मुझे सिर्फ ऐसे मोहरे की जरूरत थी जो अतुल का खास हो, और वो तुम थे मिस्टर आदित्य, और मैंने तुम्हें मोहरे की तरह यूज किया, और तुमने मेरा सपना साकार कर दिया मिस्टर आदित्य। अच्छा, तो सिर्फ तुमने मुझे यूज किया? वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए मुझे यूज किया तुमने? ये बात मत सोचो मिस्टर आदित्य, प्यास मैं किसी से भी बुझा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ सीढ़ियों के तरह यूज किया है, और तुमने मेरा सपना साकार कर दिया। आज से सारी दौलत मेरी। यू आर फिनिश्ड मिस्टर आदित्य। सानिया, तुम मुझे मारोगी? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ठीक है, चलाओ गोली, मारो मुझे सानिया, मारो, चलाओ चलाओ गोली।
आर अंडर अरेस्ट।